गुड मॉर्निंग बच्चों, हम चलते हैं कक्षा 11 विषय समाजशास्त्र। आज का हमारा प्रकरण है संस्कृति। संस्कृति में सीखे हुए व्यवहार, वह व्यवहार जो हमको विरासत में मिला, वह समस्त वस्तुएं, सेवाएं या हमारे आदर्श जो हमको कहीं से प्राप्त हुए हैं, वे सब संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। समाज में अनेक जीवधारी रहते हैं और इन समस्त जीवधारियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? मनुष्य को उसकी संस्कृति के आधार पर ही उसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। संस्कृति मानव की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होती है, जिसके कारण मानव पशु समाज से अलग होता है। मनुष्य के विकास में संस्कृतियाँ ही बीज का कार्य करी है। बीजारोपण के द्वारा ये संस्कृतियाँ हस्तांतरित होते हुए एक दूसरे के सीखते हुए, एक दूसरे से मिलते हुए हम आप तक पहुँची हुई है और उन्हीं संस्कृतियों को विरासत के रूप में सजो कर रख कर हम आने वाली पीढ़ी को वो संस्कृतियाँ हस्तांतरित कर देते हैं। आवश्यकताएँ भौतिक और अभौतिक दोनों होती हैं। मनुष्य अन्य जीवधारियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान माना गया है। भविष्य के बारे में चिंतन करता है, मनन करता है, अध्ययन करता है और उसके पश्चात अपने क्रियाकलापों को कोई रूप प्रदान करता है, स्वरूप प्रदान करता है। आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि सभी प्रकार के कारक जो है वो मनुष्य को चिंतन के लिए प्रभावित करते हैं। मनुष्य समाज के अंदर रहते ही सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, सामाजिक समरसता को स्थापित करने के लिए अपनी संस्कृतियों का प्रयोग करता है और हमारी संस्कृतियाँ ही कहीं ना कहीं हमको श्रेष्ठ के रूप में परिलक्षित करने के लिए उद्यत रहती है। किसी देश या समाज के विभिन्न जीवन, व्यापारों, व्यवहारों का सामाजिक संबंध में मानवता की दृष्टि से प्रेरणा को प्रदान करने वाले आदर्शों की समष्टि को ही संस्कृति कहते हैं। अर्थात संस्कृति कहते किसे है? जो हमें कहीं से प्रेरणा प्रदान करे, वह समस्त वस्तु, सेवा और मनोभाव जो हमको प्रेरित करते हो किसी अच्छे उद्देश्य के लिए, कार्य के लिए, वह सब क्या होती है? वह सब संस्कृतियाँ होती हैं। संस्कृति का शाब्दिक अर्थ, संस्कृत का अर्थ के अंतर्गत हम देखें तो संस्कृत का शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी के कल्चर का हिंदी रूपांतर है। संस्कृत शब्द संस्कृत भाषा का है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार सम उत्तम उपसर्ग किस धातु से तिम से प्रत्यय होने पर संस्कृत शब्द उत्पन्न होता है, जिसका सरल अर्थ होता है उत्तम कृषि अर्थात देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि की उत्तम सम्यक चेष्टाएं या चले। इसमें लैंगिक, परालौकिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी प्रकार के अभ्युदय उन्नति की अतुल चेष्टाएं आ जाती हैं। वैसे तो देहात की अच्छी बुरी सभी चेष्टाएं कृति है, किंतु उनमें अच्छी बुरी सभी चेष्टाएं संस्कृत समकृति कही जाती हैं, अर्थात यही संस्कृति बन जाती है। हमारे रीति रिवाज, हमारे आचार विचार, हमारे व्यवहार जो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर देते हैं, यही हमारी संस्कृति हो जाती है। संस्कृति शब्द का अगर हम उद्गम संस्कार शब्द से लिया गया है, अगर हम ये देखें कि संस्कृति आई कहाँ से, तो संस्कार से, हमारे संस्कार हमारी संस्कृति को परिभाषित करते हैं। जिस प्रकार हमारे अंदर संस्कार विद्यमान होंगे, उसी प्रकार की संस्कृतियाँ हमारे चेहरे से, हमारे कर्मों से, हमारे वाणी से झलकेगी। ये संस्कृति का मनुष्य के मस्तिष्क और उसके शरीर पर प्रभाव है। एक प्रभावशाली व्यक्ति की संस्कृति अत्यंत ही
उत्तम होगी। चोर डाकू तमाम बदमाश पड़े भरे हैं इस दुनिया में, कहीं ना कहीं उन पर उन संस्कृतियों का प्रभाव है जहां से उनकी मानसिक बुद्धि दुर्बुद्धि के रूप में बदल गई, कहीं ना कहीं से वो प्रेरित होकर इन कार्यों में लिप्त है, अर्थात उनको उस प्रकार के संस्कार दिए गए या उन्होंने किसी से प्रेरणा लेकर उन संस्कारों को ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया। इसलिए ऐसी संस्कृतियां जो समाज के अनुकूल नहीं है, समाज ने उनको सर्वप्रथम बहिष्कृत कर दिया, सबसे पहले ही त्याज्य कर दिया है, मनुष्य के लिए ऐसी संस्कृतियां ग्रहण योग्य नहीं है जिनसे समाज का कोई अहित होता है। संस्कृति का लौकिक अर्थ अगर हम देखें तो सामान्य बोलचाल की भाषा में संस्कृत शब्द का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। साधारण लोग ऐसा समझते हैं अमुक परिवार सुसंस्कृत है, बहुत अच्छा है, उसके विचार बहुत अच्छे हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, उनका परिवार आदर्श परिवार है, तो जहाँ पर ऐसी चीजें प्राप्त हो उसको हम संस्कृति वाला परिवार या सुसंस्कृत परिवार की श्रेणी में ले जाते हैं। अच्छे गुण वाले उपयोगी इन गुणों से रहित वस्तुओं को पृथक करने के लिए संस्कृति का प्रयोग होता है। जब लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी संस्कृति अच्छी है तो उसका तात्पर्य अपने जीवन में उस ढंग से होता है जो अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में मिलती है। मैथ्यू और नालांड कहते हैं कि संस्कृति व्यक्ति के स्वयं कुछ होने में है, ना कि किसी वस्तु के अपनाने में। कहीं से किसी चीज को देखकर हमने नकल कर लिया वह हमारी संस्कृति नहीं, वो तो हमने किसी दूसरे की संस्कृति को अपना लिया, वो हमारी विरासत की संस्कृति नहीं है। संस्कृति व्यक्ति की आंतरिक मानसिक अवस्था का दूसरा रूप होती है। कुछ विद्वानों ने संस्कृति को धर्म से भी जोड़ा है, कहीं कहीं इसका अर्थ शिक्षा से भी लगाया जाता है। अधिकांश व्यक्ति सुसंस्कृत समाज का अर्थ शिक्षित समाज से लगाते हैं जो गलत है। कुछ विद्वान पैतृक परंपराओं को ही सही संस्कृति समझ बैठे हैं जो कि भ्रमपूर्ण है। इस प्रकार संस्कृत के संबंध में अलग अलग भ्रांतियाँ हैं और संस्कृत मुख्य रूप से उस भाषा में आती है जहाँ से जो वस्तुएँ सेवाएँ आचार विचार व्यवहार या प्रकृति हमको अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में मिलती है, उसी को संस्कृत के आधार पर जोड़कर हम उसको संस्कृत की संज्ञा प्रदान करते हैं। संस्कृत की परिभाषा, संस्कृत की परिभाषा में मैकाइवर और पेज कहते हैं, संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला साहित्य धर्म मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के तरीकों से हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति होती है। कहते हैं संस्कृत उन सभी वस्तुओं की जटिल समस्या है या समग्र है जो समाज के सदस्य के रूप में हम सोचते और रखते हैं। लैंडिस के अनुसार संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। बोगार्ड्स ने कहा कि संस्कृत किसी समूह के कार्य और विचार करने की समस्त रीतियों को कहते हैं। लिंटन ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा कि संस्कृत सीखे के व्यवहारों एवं व्यवहार परिणामों की वह व्यवस्था है जिसमें निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त एवं संचालित होते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपको दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।